वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी गोवर्धन पूजा। आज है गोवर्धन पूजा तो मैं हूँ किचन में और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं और मैं किचन में हूँ और ये देखिए बन रही है खीर। और काफी जगह गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भोग बनता है, तो काफी जगह बनता है, काफी जगह नहीं बनता है, वैसे मोस्टली बनता है। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ और अपने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। तो ये देखिए खीर में मैंने थोड़ा सा साबूदाना मिलाया है, बाकी चावल है, साबूदाना इतना सा, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज, जैसे सैलेड बनती है तो सैलेड में सैलेड के सारे आइटम होते हैं और खीर बनती है तो जिन जिन चीजों की खीर बनती है वो सारा कुछ ऐड होता है। तो साबूदाना की खीर बनती, साबूदाना ऐड कर दिया, चावल ऐड कर दिया और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रही वो सब्जी अन्नकूट की। ये देखिए इसमें आपको एवरीथिंग, वैसे संभवतः पूरी सब्जियां लाने की कोशिश की जाती है बट नहीं मिल पाती है तो जितनी होती है उनसे काम चला लिया जाता है। बट आप देख सकते हैं काफी सारी सब्जियां हैं, मैंने ना यहाँ पे वॉश करके सब यहीं पे रख दी, इनका पानी अच्छे से अलग हो जाए, सब्जियों का पानी खत्म हो जाए। देखिए काफी सारी सब्जियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा सब्जियां हैं, इसीलिए इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। और ये रही पत्ते वाली सब्जी, तो उस पत्ते वाली सब्जी में पत्ते की जितनी भी सब्जियां होती हैं सारी इसमें ऐड है। तो पत्ते वाली सब्जियां ना मैंने अलग धो के रखी हैं क्योंकि पत्ते वाली सब्जियां बाद में ऐड करनी होती हैं, क्योंकि इन्हें पकने में टाइम नहीं लगता है, वो पहले ऐड कर देंगे ना तो ये पानी छोड़ देगी। तो ये देखिए अब मैं बनाऊंगी अन्नकूट की सब्जी। पिछली बार जो दिवाली आई थी तो मैंने पिछली बार जब गोवर्धन पूजा थी तो मैंने उस टाइम पे भी अन्नकूट सब्जी की रेसिपी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अभी मैं ये सब्जी बनाने जा रही हूँ और काम का आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा काम चल रहा है आजकल और कल तो इतना ज्यादा थक गई थी कि आज सुबह से सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो बस खीर इधर बन रही है, अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है और बस मैं सब्जी की तैयारी कर लूं। वैसे तो कड़ी भी बनती है पर अब इतना कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी देखिए ये फिंगर देखिए कितनी ज्यादा स्वेलिंग है, ये देखिए इसमें ना नौघेरा हो गया है, बहुत पेन कर रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसमें। तो मैं जितना मुझसे आसानी से हो जाता है और जो जो जरूरी है वो मैं कर दे रही हूँ, अन्नकूट की सब्जी बना दे रही हूँ और खीर बना दे रही हूँ, पूड़ी बना दूंगी, थोड़ा सा चावल बना दूंगी, कड़ी नहीं बना पाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अन्नकूट की सब्जी बनाना। तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सी भी यूज़ कर लीजिए बट लोहे की कढ़ाई में ना सब्जी जितनी टेस्टी बनती उतनी ज़्यादा हेल्दी भी बनती होती है और आयरन की भी कमी जो होती है ना वो पूरी हो जाती है। तो लोहे की कढ़ाई में ना आयरन तो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है और सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, कोई सी भी सब्जी हो मेरे घर में सरसों के ही तेल में बनती है। और यहाँ पर मैंने जीरा, सौंफ, अजवाइन ये तीनों चीज़ें ली हुई हैं, साथ ही साथ मैंने हींग भी ऐड कर दिया है बट हींग की क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करेंगे इस सब्जी में क्योंकि ये हम भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं। तो अदरक के साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया था हरी मिर्च, हरी मिर्च मैंने 5 से 6 कट की हुई, साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो थोड़ा सा सब्जी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सब्जियों की तो उसी हिसाब से यहाँ पर मसाले वगैरह लेने हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें हल्दी लिया हुआ है और अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके सब्जी मिक्स कर देंगे क्योंकि कढ़ाई फुल हो जाएगी तो थोड़ी थोड़ी सब्जी करके मिक्स करेंगे, चलाएँगे, फिर थोड़ी सब्जी मिक्स करेंगे फिर चलाएँगे, तो इस तरह से करेंगे। और पत्तों वाली सब्जी को हमेशा याद रखिए अलग कट करना है, अलग कट करके वॉश करके उनको पानी, उनका जो पानी होता है ना सब्जियों का बहुत अच्छे से उनको सूख जाने देना है वरना सब्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ेगी। और अभी देखिए मैंने ये जितनी भी सब्जियां, इनमें ना हर तरह की सब्जियां मिक्स है, अब ऐसे तो मैं आप लोगों को नाम भी नहीं बता सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी की इसमें सब्जियाँ मिली हुई हैं। और अभी मैं इसमें सब्जियों में ऐड कर दूँगी मसाले, तो मैंने इसमें लिया हुआ है लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा दरदरा लाल मिर्च पाउडर है क्योंकि ये घर का पिसा हुआ है,
और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। धनिया पाउडर मैंने 4 चम्मच लिया हुआ है। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी गरम मसाला, बस रेगुलर यही जो हम रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं ना यही वाले ऐड करना है इसमें। मैं कोई भी पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, और नमक आप इस तरह से ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें भी सब्जी पत्तों वाली जो सब्जी है ना वो भी ऐड करनी है। तो नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मतलब कि अभी इसमें जो सब्जी ऐड करनी है ना तो उस हिसाब से नमक इसमें पूरा पड़ जाए, इस तरह से ऐड करना है। और सब्जियों को बहुत अच्छे से चलाते रहना है, बहुत अच्छे से चलाते रहना है। और गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे ताकि जो सब्जी है ना वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाए। जब सब्जी थोड़ी अधपकी हो जाएगी ना तब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ते वाली सब्जी। और अभी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए मूंगफली के दाने, अनार वगैरह सब सब्जियाँ मैंने सब्जियों में पहले ही कट कर लिया था, और सारी सब्जियाँ मिक्स कट करके रखी हुई थी इसीलिए अलग अलग आपको सब्जी नहीं दिखा पाई हूँ मैं। और देखिए सब्जी को फिर थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे तो लगभग हमारी सब्जी जो है ना जो सब्जी में पानी था एक्स्ट्रा वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पत्ते वाली सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी ना उनको ऐड कर देंगे। और अभी देखिए कढ़ाई पूरी आपको फुल दिख रही थी ना, और जैसी जैसी सब्जी बनने लगती है ना तो सब्जी जो होती है ना उसकी जो पचकने लगती है मतलब सब्जी बैठ जाती है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पत्ते वाली सब्जियां, और इसको भी ऐड करके चलाएंगे नहीं। अच्छा इससे पहले मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था बट शायद वो भी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, तो चलिए कोई नहीं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा टमाटर भी ऐड करना है क्योंकि सारी सब्जियां ऐड करनी होती हैं लहसुन प्याज को छोड़कर, बाकी सारी सब्जी ऐड करनी होती हैं। और पत्ते वाली सब्जी को अच्छे से इसमें कढ़ाई में ऐड करके, और मैं इसको चलाऊंगी नहीं बल्कि कवर करके ढक के रख दूंगी। जब ये सब्जी ना थोड़ी सी बैठ जाएगी फिर इसको मैं धीरे धीरे करके चलाऊंगी इस तरीके से। और अभी आपको लग रहा होगा ना कि कढ़ाई पूरी फुल हो चुकी है, इसको चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं मेरी तो आदत पड़ी हुई है क्योंकि हमेशा से बनाती आई हुई हूँ। और अभी देखिए इसको चलाते चलाते ना कि सब्जी पूरी तरह से बैठ जाएगी तो फिर चलाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और देखिए अभी कढ़ाई पूरी भरी हुई थी ना, अब देखिए कढ़ाई कितनी खाली होने लगी है। तो क्योंकि सब्जी जो होती है ना जैसी जैसी इनका पानी मरता जाता है ना वैसे वैसे सब्जियां बैठती जाती हैं। और इसको भी कवर करके रख देंगे, साथ ही साथ में हमने यहाँ जो खीर बनाई हुई थी ना उसको भी पलट के रख लेंगे क्योंकि साथ ही साथ मैं अपने सारे काम निपटाती हुई चलूंगी, और करना मुझी को ही है तो फिर मैं अपनी सुविधा के हिसाब से ही करती चलूंगी। तो बर्तन भी खाली करती जाऊंगी साथ ही साथ में, और जो खीर मैंने अभी ट्रांसफ़र की है ना इसको मैं थोड़ा सा कान्हा जी के भोग के लिए एक अलग बाउल में निकाल कर रख लूँगी, और बाकी की मैं लगा के रख दूँगी यहीं पे। और गाय का भी भोग निकालूंगी मैं, और अन्नकूट का त्यौहार है और गाय को भोग ना दिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ हर त्यौहार में सबसे पहले गाय का ही भोग निकलता है फिर मंदिर का निकलता है। और देखिए सब्जी लगभग हमारी बनने आ गई है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने ना जो मकाई के दाने होते हैं ना कॉर्न उनको भी ऐड किया हुआ है। तो मतलब एवरी थिंग है इस सब्जी में, सब कुछ है। मैंने सब कुछ ढूंढ ढूंढ के सब्जियां मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो बस मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड की हुई हैं। और अभी सब्जी बनने वाली है, लगभग बनी गई है। बस थोड़ा सा इसको ना वो कहते हैं ना सब्जी को घोटा जाता है, घोट लगाना है इसमें, घोटा लगाना है तो बस उसको वही करना है। तो वो मेरे हस्बैंड भी करके चले गए हैं थोड़ा सा, और बाकी का बस मैं इसको कर दूंगी जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है। और अभी मैं साथ ही साथ यहाँ पर गरम गरम पूड़ियाँ भी तल ले रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब इस तरह से घर में तीज त्यौहार होते हैं ना तो खाना वगैरह थोड़ा लेट हो ही जाता है। फिलहाल 2:30 बजने जा रहा है तो इसी वजह से फटाफट से ये सारे काम मैं कर लूँगी, पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी। और सब्जी बस हमारी बन चुकी है, इसमें बस हमको केवल नींबू का रस ऐड करना है। आप चाहे तो अमचूर डाल सकते हैं, और इमली कच्ची इमली आई हुई थी ना तो कच्ची इमली मैंने इसमें ऐड कर दी है इसीलिए मैंने अलग से इसमें इमली या अमचूर नहीं ऐड किया हुआ है, बस थोड़ा सा नींबू ऐड करूंगी। और ये देखिए गर्मा गर्म और फूली फूली सी पूड़ियां भी तल ले रही। Thank you.
यहाँ पर हमारी जो अन्नकूट की सब्जी है ना, वो बनकर तैयार हो चुकी है। सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। तो देखिए कितनी इसमें ना पत्ते वाली सब्जियाँ भी ऐड है ना, तो ये थोड़ी सी आपको जैसे मेहंदी कलर होता है ना, उस टाइप की लग रही होगी। और लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, मतलब बता नहीं सकती। इसका जो स्वाद होता है ना, वाकई में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये सब्जी। और इसमें मैंने जैसी ही सब्जी बन गई थी, तो मैंने इसमें नींबू नींबू का रस ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और बस फटाफट से मैं भगवान के भोग की थाली लगा लूंगी। खीर है और पूड़ी है और है यहाँ पर अन्नकूट की सब्जी। तो चलिए लगाते हैं कान्हा जी को भोग। अब आप लोगों से मैं मिल रही हूँ और टाइम बताए आप लोगों को क्या हो रहा है। यहाँ से घड़ी दिख रही है, ये सारा पहले आप टाइम देख लीजिए, 3 बजने जा रहा है। और नीचे ना जो सब्जियाँ काटी गई थी ना, तो सारे उनके छिक्कल हैं, और हरी सब्जियों का है, तो वो सब अभी गाय को डाला जाएगा, तो इसलिए वो पैकेट बना के रख दिए हैं। और इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ पूरी तरह से, बहुत पूरी तरह से। पटाखे छुटा रहे हैं बच्चे, ये पीछे ट्राइपॉड रखा है, मैं रेसिपी शूट कर रही थी ना, तो यहीं पे ला के रख दिया। और मेरे अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये फिंगर मेरी देखिए कितनी ज़्यादा सूज गई है, कैसी हो गई, कितनी स्वेलिंग है, बहुत दर्द हो रहा है इसमें। तो बस अभी हम लोग जस्ट खाना खा के उठे हैं, और अन्नकूट की जो सब्जी बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बनी थी। और जो मैंने खीर बनाई थी ना, तो खीर में मैंने साबूदाना भी डाल दिया था, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जितने भी सारे मैंने ऐड कर दिए थे, गरी से लेके हर चीज़ ऐड कर दी थी उसमें। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस पूड़ियाँ बना ली थी और चावल बनाया हुआ था, पर चावल का जो भोग है ना, भगवान को नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी खीर में चावल पड़ा हुआ था। तो अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों से बात करने की भी, तो मैंने सोचा लाइए ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूं। और आज क्योंकि गोवर्धन पूजा है ना, तो इसीलिए आज ये वाला ब्लॉग पहले आएगा गोवर्धन पूजा का। और गोवर्धन जो बनते हैं ना, गोवर्धन हमारे यहाँ तो बनाए तो जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी में मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी बनाए नहीं है। हालांकि शादी पहले एक दो बार ट्राई किया है, बट शादी के बाद नहीं बनाया, 13 साल हो गए हैं। तो बस क्या है ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो मैंने अपने कान्हा जी से क्षमा भी मांग ली, क्षमा प्रार्थना कर ली, और उनको मैंने भोग दे दिया। और वैसे मेरी दिली इच्छा है कि मैं कभी गोधन बनाऊं यहाँ अपने घर पे, और कायदे से पूरा सब कुछ करूं, तो देखती हूँ कब कर पाती हूँ। इस बार तो थोड़ा मेरी तबीयत का भी प्रॉब्लम चल रहा था, और फिर आज ये मेरी फिंगर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है फिंगर में, तो इसीलिए गोधन तो नहीं बनाए हैं, शादी वाद कभी बनाए भी नहीं है। तो ऐसे ही मैंने कान्हा जी को भोग दे दिया था। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ। और मेरे मायके की तरफ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार, और यहाँ मैं जितना कर पाती हूँ उतना कर लेती हूँ अपने हिसाब से। फिलहाल अन्नकूट की सब्जी का मेन होता है, तो वो मैंने कर दिया है। और ये गोवर्धन पूजा का ब्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, और दिवाली वाला जो है ना, वो इसके बाद में है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दिवाली सेलिब्रेशन के में। तब तक आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अपना प्यार और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए।